आज का लेक्चर बेस है ब्रेकअप रिकवरी पर। आज आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपका ब्रेकअप होने वाला है या लड़की आपको छोड़कर जाने वाली है या कोई लड़की है जो आपकी फ्रेंड वगैरह है और वह आपको इग्नोर कर रही है तो आपको इस सिचुएशन में आपको क्या करना है। तो शुरू करने से पहले आप अगर प्यार के इस खेल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। देखो ब्रेकअप के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो खुद को तैयार कर लो और इस बात को मान लो कि प्यार में ऐसा ही होता है। आप प्यार के किसी भी मोड़ पे हो या किसी भी सिचुएशन में हो, आपको ब्रेकअप का सिचुएशन आना ही है। खुद को तैयार कर लो, प्यार ऐसा ही होता है, मिलना बिछड़ना तो चलता ही रहेगा। देखो ब्रेकअप जितना लड़कों के लिए तकलीफ देता है उससे कहीं ज्यादा तकलीफ लड़कियों के लिए होता है। लड़कियां जिंदगी भर ब्रेकअप का दर्द नहीं भूलती लेकिन फिर भी ब्रेकअप्स होते हैं। जानते हो ऐसा क्यों होता है? लड़के लड़कियों को एंटरटेन नहीं कर पाते। लड़के कभी भी नहीं समझ पाते कि लड़की क्या चाहती है। देखो लड़की तभी ब्रेकअप करेगी जब लड़का बहुत बोरिंग हो, लड़के के पास कुछ नया ना हो लड़की को एंटरटेन करने के लिए, या फिर लड़की को ऐसा लड़का मिल गया हो जिसको देखकर लड़की को लग रहा है ये बेहतर ऑप्शन है, इस पर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ऑलरेडी वैसा ही है जैसा मैं चाहती हूँ। ज्यादातर लड़कों को जब ये फील होता है कि उनका ब्रेकअप होने वाला है तो वो लड़की को बुलाते हैं और कहते हैं तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करती, कौन है वो लड़का, वो क्या देगा तुम्हें जो मैं नहीं दे पाया, कितना मजा आया था जब हम पार्क में घूमने गए थे, भूल गए तुम जब हमने पिज्जा खाया था, मेरे शर्ट पे तुमने पिज्जा गिराया था, कितने अच्छे पल हमने बिताए थे, मैंने तुम्हें कितना जबरदस्त गिफ्ट दिया था, मैंने तुम्हारे लिए ये किया वो किया ब्ला ब्ला ब्ला, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। अरे मेरे भाई तुमने कोई झंडे नहीं गाड़े, उसको खिलाया पिलाया, उसको घुमाने ले गए, गिफ्ट दिए, कोई एहसान नहीं कर रहे हो लड़के ऊपर। ऐसी बात करके तुम खुद अपना ब्रेकअप करा लोगे। लड़की फिर भी एक दो हफ्ते बाद जाने वाली थी, तुम तो उसे ऐसी बात करके आज ही भगा दोगे। देखो कोई लड़की ये सुनना नहीं चाहती तुमने उसके लिए क्या किया। याद रखना तुम लड़की को खोने से डरते हो तो तुम उसे खो दोगे। कभी ये सब बात मत करो, प्रेजेंट में जियो यार। लड़की अपना पास्ट भूलने के लिए ही तो तुमसे जुड़ी है। तुम उसे पास्ट याद दिलाकर अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। जानते हो एक शिकारी क्या करता है? वो लड़की के पास जाकर कहता है मुझे ना फिर तुमसे प्यार हो गया है, हमारा प्यार बढ़ता ही जा रहा है, हम ना नेक्स्ट मंथ गोवा घूमने जाएंगे, तुम्हारे बर्थडे के दिन मैं तुम्हारे साथ सारा दिन बिताऊंगा, नेक्स्ट मंथ मेरा प्रमोशन होने वाला है, हम पार्टी करेंगे, आज मैं बहुत खुश हूँ, चलो घूम कर आते हैं। पूरी बात में शिकारी ब्रेकअप का जिक्र ही नहीं करता और ना ही लड़की को ये फील होने देता है कि लड़की उसे छोड़कर चली जाएगी। याद रखना सिर्फ तुम्हारा प्रेजेंट का बिहेवियर, तुम जितना साइलेंट रहोगे लड़की तुम्हारी उतनी ही दीवानी होती चली जाएगी। सिर्फ तुम्हारा प्रेजेंट का बिहेवियर और फ्यूचर के सपने, लड़की को बहुत सारे सपने दिखाओ, उसको पास्ट याद मत दिलाओ, उसको सिर्फ ये कहो कि फ्यूचर में तुम उसके लिए क्या करने वाले हो, बस यही एक रास्ता है ब्रेकअप से बचने का। वीडियो को लाइक करें, अपना कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम हैप्पी टू हेल्प यू।